रियलिटी तो मैं तुम लॉ एंड ऑर्डर की दसना चाहना, किसी पुलिस स्टेशन च नफरी है नहीं, किसी पुलिस स्टेशन च नफरी है नहीं, इन्हों को बुरा हाल है जी। किसी बंदे दी पंजाब दे विच जिंदगी ना उहदी प्रॉपर्टी महफूज है। अज जिहड़े गैंगस्टर या कोई भी कोई गुंडा अंसर किसी आदमी तो कोई वारदात करना चाहता, कोई बचाने वाला बंदा है नहीं। हर तीजे बंदे दी डब दे विच नजायज़ वैपन है जी, जिन्हों मर्जी टो के वेख लो, साढ़े पिंड आ जाओ, जिहड़े मर्जी नौजवान के डब नूं हाथ मार लो तो तुहानूं उत्थे वैपन लभेगा। उधर चो पाकिस्तान चो भी आ रहे हैं, इंटर स्टेट बाहरों भी बहुत सारा वैपन वेखो, इन्हों को है बाहरों भी बहुत सारा वैपन इतने है कि गवर्नमेंट कर की रही। मैं इन्होंने डी जी पी साहब न पूछना चाहना, डी जी पी साहब पंजाब च विच ही इन्नी गुंडागर्दी है, तुम वो तो सांभो, दिल्ली वालों नूं दिल्ली की लड़ाई लड़ लैन दो, ना कम करो चंगी गल। सी एल पी की साड़ी पहली ऑफिशियल तौर पर मीटिंग हुई जदों दास नूं सी एल पी का लीडर बनाया गया, तो इस मीटिंग 18 के 16 एम एल ए ने पार्टीसपेट किया, ये 2 एम एल ए साहबान मिसिंग सन, दोनों ही जोड़े फॉरन गए हुए हैं, राणा गुरजीत सिंह जी तो सर प्रगट सिंह। सर गुरजीत सिंह उन्हों की मेरे न कल गल भी हुई सी, अज लैंड किए रात उन्हों की 10 बजे फ्लाइट से जी 12:30 बजे दिल्ली लैंड की, सो ही कुड नॉट अटेंड, तो प्रगट सिंह जी ने अजे चंद दिन बाद आना। सो ये बेसिक पहली मीटिंग असी की है क्योंकि तकरीबन मिड जून के बजट का सैशन आने वाला, जर्नली हों की रहा इस तो पहले कि बजट तो जो बजट अनाउंस हो जाना तो एक अद्धा दिन पहले रवायती मीटिंग होनी, तो आम तौर मैंबर्स इस गल की हमेशा यही गल रहनी कि जी सानू वक्त नहीं पूरा मिल सकिया तैयारी करने वास्ते। सो ऐतकी उन्होंने असी एक नवी प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। मैं सारे ही वीरां ते भैणां नूं इत्थे दसना चाहना कि जिहड़ा साडा पार्लीमेंट्री सिस्टम है या विधानसभा का, ये जिहड़ा इंग्लैंड का सिस्टम वेस्टमिंस्टर स्टाइल पार्लीमेंट्री सिस्टम जिहड़ा सी उहनूं असी अडोप्ट कीता, उहदे विच इक बड़ा प्रचलित है कि जिहड़ी रूलिंग गवर्नमेंट होंदी उहदे बराबर ते इक शैडो कैबिनेट बनदी। तुहानूं पता है कि जे विधानसभा च भी तुसीं वेखोगे या पार्लीमेंट च भी वेखोगे, भावें लोकसभा की गल करो भावें राज्यसभा की, एक जिहड़ा रूलिंग पार्टी होंदी उन्हां दा लीडर होंदा ते बिल्कुल उहदे ऑपोजिट जिहड़ी कुर्सी होंदी है ऑपोजिशन ते एलओपी जिहड़ा कहा जांदा उहनां दी होंदी, इत्थे भी सेम गल। तो असीं अज इह फैसला कीता कि असीं भी अपने 18 एम एल एज़ नूं जिहड़े भी महकमें दे विच उहनां नूं ज़्यादा रुचि हो, असीं उहनां नूं बकायदा तौर उहदी जिम्मेवारी दांगे। पहले तो जिहड़े साडे कोल 5-6 ते फॉर्मर मिनिस्टर्स है ने जिहड़े सिटिंग एम एल एज़ ने, जिहड़े महकमे उन्होंने कोल रहे ने, असीं कहा जी असीं तुहानूं उहनां दा ही शैडो मिनिस्टर्स बनावांगे, सो दैट तुहानूं उहनां दी पूरी जानकारी है। 5 साल तुसीं मिनिस्टर्स रहे हो, कोई गवर्नमेंट किराए पै रही उहनूं राय पाउण दे विच भी इनफॉर्मेशन लैण। वेखो सतर्क ओपोजिशन हमेशा सूबे दे लोकां दे हक च होंदी, जे ओपोजिशन सुती रहे तो सरकारां फिर अपनी मनमर्जी करदियां ने। मैं पंजाब दे लोकां नूं विश्वास दिवाना चाहना कि ये जिहड़ी तुहाडी शैडो कैबिनेट बनेगी ये सतर्क रहेगी, हमेशा पैरां सिर रहेगी, तो रूलिंग क्लास नूं भी असीं पप्पां पार रखांगे, जिथे चंगा काम करनगे इन्हां दी इन्हां नूं थापी दे के रखांगे, तो जिथे कोई नीकी करन दी कोशिश करांगे उत्थे इन्हां दी घेराबंदी पूरी कीती जाएगी। सो इहदे विच बजट दे विच स्पैशली क्योंकि पंजाब एक अग्रेरियन सूप है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज दे विच नवी सरकार ने भी कई पहलकदमियां कीतियां जिहड़े मैं तुहानूं सारे उहनां ते जवाब देना चाहांगा, कुछ उहदे च कमियां पेशियां भी ने, जिहड़ियां कमियां पेशियां उह भी मैं तुहानूं दस्सांगा। इस तरह फिर पावर दी सिचुएशन जिहड़ी है उह मैं अजे भी प्री वॉर्न पंजाब दे लोकां नूं करना चाहना कि चेयरमैन PSPCL या पावर मंत्री या भगवंत मान जी जो मर्जी कहिंदे रहिण, पावर ऐतकी परमात्मा दे हत्थ च बहुती है, जे ते बरसात होगी तो पंजाब बची रहेगी, जे पंजाब च बरसात की कमी रही तो हाहाकार बिजली की पैनी पैनी, ये वास्ते सानू तैयार रहना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत पुअर है, मैनू बहुत अफसोस होया, कल एक बहुत तगड़ी जिहड़ी मैं समझना कि फोर्स का सारे हिंदुस्तान च अपनी बहादुरी ते एफिशिएंसी कारण जिहदा नाम सी उन्हों कल वो मत्थे जे कलंक लगे वो सीधे तौर
मैं भगवंत मान जी ते भगवंत मान जी दे आका अरविंद केजरीवाल ते पंजाब दे डीजीपी नूं जिम्मेवार ठहराऊंगा। इहो जी लड़ाई जिहड़ी एक निजी लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी दी, सारों पहले डॉक्टर विश्वास दे नाल, कुमार विश्वास नाल, या अलका लांबा जी नाल, या कल जिहड़ा एक बीजेपी का लीडर लैके आंदा उत्थों, इन्हां दी लड़ाई अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री ने दिल्ली दे ये सक्षम ने उन्होंने दो दो हाथ करने वास्ते पंजाब पुलिस नूं इस गल दे विच क्यों इनवॉल्व किया गया। ये मैं सीधे तौर सवाल भगवंत मान जी नूं ते डीजीपी नूं पुछना चाहना, डीजीपी साहब नूं मैं कहना चाहना, डीजीपी साहब तुहाडा वड्डा फेलियर अजे पटियाले विच साबित हो के हटिया। दिन दिहाड़े कतल हो रहे ने, दिन दिहाड़े पाकिस्तान चों ते हिंदुस्तान के वख वख हिस्सों चों वैपन पंजाब च आ रहे, नशा पंजाब च आ रहा। अज तो चार दिन पहले एक जिहड़ी वीडियो वायरल हुई है मुक्सर दे विच, जिहदे विच एक आदमी 8-10 उहदे आले दुआले लोग ने पुड़ियां विच चिट्टा वेच रहा। अजे तक तो तुहाडे कोलों जिहड़ी तुसीं एक ऑर्गनाइजेशन बनाई है नशे के खिलाफ लड़न वास्ते, या जिहड़ा गैंगस्टर्स नूं उहनां ते पकड़ बनाउण वास्ते, अजे तक कोई ये जिहड़ियां दोनों तुहाडियां ऑर्गनाइजेशनज ने कोई उहनां नूं सक्सैस नहीं मिली। तो मैं इहदे विच भगवंत मान जी नूं बेनती करांगा, दिल्ली की लड़ाई दिल्ली वालियां नूं उहनां तक रहन दित्ती जाए, अपने आका नूं खुश करन की कोशिश ना करो। पंजाब दे लोक इस किस्म दे इस काम नूं कंडम भी करदे ने, एंड कल मैं समझना कि एक बुरा दिन सी पंजाब वास्ते। एक तुसी आदमी नूं उत्थों लैके आए हो, वेखो जिहड़ी एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हुंदी वह हर काम कानून मुताबक करती है। तुसी कल एक आदमी नूं उहदे घरों चुके आ, तुसी नाल दी टीम नूं कह दिता दिल्ली का बार्डर टप लैन दिओ, फिर जाके उत्थे जनकपुरी दे विच जाके शिकायत दर्ज करा लिओ, ते तुसी काबू आ गए। पिपली दे विच घेराबंदी हो गई, जिन्हों पंजाब लैके आना सी उन्हों दिल्ली वाले लै गए, जेडे पंजाब चो दौरे सी उन्हां नूं एक ADGP नूं जाके तरले मार के हरियाणे की सरकार नूं अपने कुलीग्स नूं ते मसा उन्हां अफसरां नूं छड़ा के लैके आ, ये शोभा देंदी है पंजाब नूं। तो ये सो मैं तुहानूं ये दसना चाहना, ये सारिया चीज़ा असी एग्रीकल्चर पावर लॉ एंड ऑर्डर, फिर जिहड़ी आ चीमा साहब जिहड़ी जनता है एक बजट बना रहे जनता बजट का। मैं पहले चीमा साहब नूं दो सवाल सीधे तौर करना चाहता, चीमा जी तुहाडे आका ने पार्लीमेंट की इलैक्शन तो पहले पंजाब दे लोकां नूं एक अपना वचन दिता सी कि 54,000 करोड़ का सालाना असी इहदे विच आमदन वधान दे विच, उन्होंने कहा सी कि 30,000 करोड़ दे तो मैं ठेकियां चों आमदन कढूंगा, 20,000 कढूंगा मैं इहदे चों तुहाडी रेत दे विचों, ते 5-7-10,000 करोड़ रुपया या 15,000 करोड़ रुपया जिहड़ी इत्थे लीकेज हुंदी है वख वख डिपार्टमेंट्स, वो लीकेज बंद करांगा। मैं दसना चाहना पहले लोगों नूं क्लीयर करो कि वो तुसी एक्सट्रा जिहड़ा बजट है 1,75,000 करोड़ का साडा बजट, उहदे विच मैं प्रेस दे भरावां नूं तुहाडे ज़रिए क्योंकि पंजाब साडी गल जाणी है, मैं पंजाब दे टैक्स पेयर्स नूं ते पंजाबियों नूं दसना चाहना 90% उस बजट दे विचों ते ऑलरेडी कमिटेड साडियां लाइबिलिटीज़ ने। कमिटेड का मतलब है कि इहदे विच सरकारी मुलाज़मां दीआं तनखावां, उहनां दीआं पेंशनस, पंजाब दीआं सारीआं सबसिडीज़, जिहड़े 3 लाख करोड़ ते फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस को असीं कर्जे चुके ने उहनां दीआं किश्तां, तो जिहड़ा इंट्रस्ट है वह जे सारा असी कमिटेड पा लीए तो 100 रुपये चो 90 रुपये तो साढ़े सीधे उत्थे जाते, रुपये बचते हैं तुहाडे को 10। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि ये 10 रुपयों के मैं 54,000 करोड़ रुपया जोड़ूंगा, सानू कृपा करके दसो, सानू क्लीयर करो कि वह पैसे कितों आएंगे। तुसी जिहड़ा एक्साइज 3 महीने अगे कर दिता, हुण जून च फिर उहदियां बोलियां होणियां ने, अजे पॉलिसी कोई आई नहीं, सानू दसो 7,000 करोड़ दीआं पुराणियां कलैक्शनज ने पिछली गवर्नमेंट दीआं मार्च तक दी, ये ठेके की 30,000 करोड़ तक तुसीं लै जां तुहाडा टारगेट की। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं 30,000 करोड़ रुपया एक्साइज कलैक्शन चो करके दऊंगा। तुसीं माइनिंग पता नहीं रोकी कि नहीं रोकी, लोग तो कहिंदे अजे भी चली जाती है, पर अज रेट जिहड़ा बजरी दा वह रेत का रेट 3 गुणा मटीरियल का रेट वध गया, अज जिन्ने भी डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने पंजाब दे ऑलमोस्ट वो स्टैंड स्टिल ते आ गए, डिवेलपमेंट का काम रोक गया, हाहाकार मच गई है। तुसी दसो कि कलैक्शन तुसी ये पैसे 300 तो वधा के कि 20,000 करोड़ तक पहुँचा पाओगे, सानू फिगर दसो कि नहीं,
तो लोगों को तुसी बजट की जिहड़ी प्रपोजल्स मंगदे हो कृपा करके पहले लोगों को यह तो दसो साढ़े को पैसे किन्ने ने। मैं सीधे तौर दसना चाहना पंजाब के लोगों को सुचेत करना चाहना ये पीआर कंप्लीट पीआर एक्सरसाइज सी वड्डे मीडिया हाउसिस जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो ताड़ी प्रिंट मीडिया एक तरीका होंदा कि असी खर्चा अपनी पार्टी दे अकाउंट चो करिए खजाने चो करिए एक होंदा सरकार को खर्चा करिए। मैनू हैरानी हुई राजस्थान पत्रिका राजस्थान दा हिंदी दा अखबार है फ्रंट पेज उहदे ते पंजाब दे बजट बारे राजस्थान नू पुछया जा रहा कि दसो ताड़ी को प्रपोजल है तो दसो। गुजरात दे अखबारां दे विच साउथ इंडिया दे अखबारां दे विच हिमाचल दीआं अखबारां दे विच हुण मैनू दसो जिहड़े हिमाचल च रहण वाले ने या गुजरात च रहण वाले ने वो इत्थे की कॉन्ट्रीब्यूट करनगे जी। ये बेसिकली इनडायरैक्ट ढंग दे नाल ये जिहड़ा पैसा जिहड़ा इलैक्शनां वेले आप नू अपने खजाने चो खर्च करना पैणा पंजाब दे खजाने चो खर्च करवाया जा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहना आर टी आई दे जरिए दो दिन पहले एक अखबार नवीज ने इनफोरमेशन मंगी सी कि जदों पिछले दिन ही भगवंत मान जी अपने आका केजरीवाल साहब नू लैके गुजरात के फेरे ते हिमाचल ते गए उस हैलीकॉप्टर का खर्चा किन्ना होया 45 लाख रुपए तो वध खर्चा होया। जे साफ सुथरी राजनीति करते हैं मैं चैलेंज करना आप कि तुसीं ओ जिहड़ा 45 लाख रुपया पंजाब के खजाने चो पैसा अपने पोलीटिकल परपजस वास्ते खर्चिया कि आप अपने खजाने चो पंजाब नू रीइंबर्स करेगी पैसा जी। जे गल बदलाव की करते हैं जे गल इमानदारी की करते हैं ये मेरा चैलेंज है लेट अस सी कि ये पंजाब नू रीइंबर्स करेंगे पैसे नू। फिर मैं भगवंत मान जी को पूछना चाहना भगवंत जी इलैक्शनों तो पहले तुम आम आदमी दल्ला बड़िया करते कैप्टन अमरिंदर सिंह के चार्ज लाते रहे कि इन्हें 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर खरीद ली है पंजाब के माली हालात इन्ने कमजोर ने। मैं थोड़ा पूछना चाहना थोड़े कैवलकैड के कोई एक भी गड्डी तुम घट की तुम एक भी खर्चा घटाया वो थोड़े परिवार के फैमिली मैंबर पिछले दिन ही दरबार साहब च गए ने। मैनू दसो बाकी तुम लोगों दीआं सिक्योरिटीज़ विड्रॉ कर लिया कोई गल नहीं जरूर करो पर तुहाडे फैमिली दे मैंबर किस हसीयत दे विच इन्ने वड्डे पैमाने ते उत्थे पंजाब पुलिस नूं नाल लैके गए ने। कृपा करके दसो आम आदमी वाली कि गल कि उही कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लैंड क्रूजर हुण भगवंत मान जी वरत रहे कि नहीं वरत रहे। ये कहिंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह हैलीकॉप्टर नूं टांगे वर्गा वरतदा। मैं ये गल कहिंदा कि जे शुकर करो उस हैलीकॉप्टर च वाशरूम नहीं है जे कि वाशरूम होंदा इन्हें उतरना नहीं सी थले उहदे च इन्हां दी मजबूरी बन गई उस हैलीकॉप्टर नूं साह देण दी ते पहिए उहदे दित्ते ने इन्हां ने कसा उस हैलीकॉप्टर दे टांगे नूं भी बुरी तरह वरत रहे ने। इहदे मरूते वर्गा वरत रहे ने उहदे टांगे वर्गा वरदा सी टांगे नूं ते कितें साह भी थोड़ा मोटा आ जांदा। तीसरी गल मैं पुछना चाहना अमरिंदर सिंह जी नूं तुसीं सवाल करदे रहे कि एक सरकारी कोठी है चीफ मिनिस्टर दी रिमार्क कैप्टन ने दूजी कोठी किहड़े काम नूं रखी दस्से उत्थे रहिंदा कौन। असीं भगवंत मान जी नूं पुछने कैप्टन ने तो दो रखियां हो सकदा उहदे कोल कोई पुराने बाहरों अंदरों आके रहिंदे होण तुसीं एक दी जगह चार रख लईआं ने हुण कृपा करके अपने पुराणियां दी लिस्ट भी सानूं घल्लो इह किहड़े बंदे ने जिहड़े चार कोठियां 'च रहि रहे कि आम आदमी जिहड़ी है इह आम आदमी पार्टी इह आम आदमी वाला कोई काम है लैंड क्रूजर इह वरत रहे ने ओडे वड्डे जिड्डा कैप्टन अमरिंदर सिंह को कैवलकाड हुंदा 20-25 गड्डियां दा ओह इन्हां नाल चलदियां ने अपने पिंड हैलीकॉप्टर चो डिगे गए ने जे वह पटियाले जांदा सी अपने पिंड तुर गए ने। सो ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां इहदा गल लोग जवाब मंगदे। दूजी गल साडे एरिए दे बहुत सारे लोगों ने पहला सुझाव मैं देना चाहना कि जिहड़े तुसीं झोना लाण दे चार वख वख जोन बना ले ने भगवंत मान जी साडे एरिए दे लोग इस नूं बिल्कुल मनन नूं तैयार नहीं। तुसीं माझे दा एरिया सारे दा सारा खिच के अखीरले पड़ा दे विच चौथे हफ्ते च लै गए हो जून दे साडे लोग ते पिछली बार जदों कांग्रेस की सरकार सी 10 जून तो झोना लगदा हुंदा समुचे पंजाब च कितें वितकरा नहीं सी असीं उहनूं 5 दिन प्रीपोन करा लिया सी 5 जून तो शुरू हो गया तुसीं 24 तो लै गए हो जी। तुसीं सीधे तौर क्यों नहीं पंजाब दे लोगों नूं कहिंदे साडे कोल बिजली का प्रबंध है नहीं। मैं तुहानूं सीधे तौर कहना चाहना बिजली का ना प्रबंध होण कारण इह डीक कर रहे ने शायद उदों तक बरसातां पै जाण साडा साह सौखा हो जाए इन्हां को कोई बिजली का प्रबंध नहीं। 18,000 करोड़ रुपया PSPCL पंजाब गवर्नमेंट को लैण वाली है
बिजली का ना प्रबंध होने कारण हाहाकार इंडस्ट्री च भी मचनी है तो साडे एग्रीकल्चर सैक्टर च भी मचनी। तो ये सारिया गल्लां ते अज उत्थे चर्चा हुई है जिहदे बारे मैं तुहानू जानकारी दित्ती है। कोई मेरे वीर ने भैन ने कोई सवाल करना होए प्लीज मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। अकाल तख्त दे जथेदार साहब कह रहे कहिंदे कि साडी जवानी भी जा रही है, साडी फसल भी जा रही है, और उन्होंने बकायदा तौर पर जिक्र किया टेस्ट्यू बेबी कल्चर कहते कि उस बारे की कहना चाहिए। देखो जो जथेदार हरप्रीत सिंह जी ने किया मैं बहुत हद तक जथेदार जी की इस चिंता के नाल सहमत हैं कि बहुत वड्डे पैमाने ते मैं भी महसूस कर रहा जिस हिसाब के वड्डे पैमाने ते पंजाबी 1.5 to 2 lakh हर साल साडा सूबा छड़ के जा रहे 20-25 साल च पंजाब पंजाब के लोग पंजाबी जड़े ने पंजाब दे विच घट गिनती च हो जाए आ भी बहुत वड्डी चिंता का विषय है। ड्रग्स के कारण एंड जड़ी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड उहदा कारण आ जड़ी फर्टिलिटी रेट घटे बिल्कुल ठीक हो जड़ी वह गल कह रहे हैं हुण ज़्यादा हो सकता उन्हां नूं इस गल बारे जानकारी हो बट सानू भी असी भी पंजाब च रहण वाले हैं पंजाब दे असी धी पुत्तर सानू इह वड्डी चिंता है। ये गल वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जमीना का भी पंजाब दियाँ जमीना भी खुस रही ने ते जिहड़ी पंजाबीयत ये भी हद तक बहुत हद तक इहदा सानू हौली हौली खोरा लग रहा पंजाब पंजाब दे लोकां नूं ते पंजाबी कौम नूं जिहड़ा जथेदार अकाल तख्त साहब ने सुचेत किया सानू सुचेत होने की लोड़ है। ये सारिआं नूं जिहड़े वैल मीनिंग पंजाबी ने उन्हां सारिआं नूं इस गल का सही मायने च मैं समझना कि बहुत चिंता का विषय है जिहड़ी उन्होंने इशू चुके है। मैं कहना 100% पै गया जी। जे 18 to 16 MLA आ गए 2 बाहरले मुल्क च ने तो इस तो वड्डी और दोनों गड्डिया वेखो 4 पहिया हुण चल रही हैं तो अगे चलनगियां तगड़े होके। देखो एक मेरी गल मोटे तौर सुन लो राजा जी पार्टी के स्ट्रक्चर वाल ध्यान रखते मैं पार्टी के लैजिस्लेटिव विंग का इंचार्ज मैं इन्हों दो हाथ आप वाले ना करांगा बाकी पार्टी की चल रहा तो की नहीं चल रहा वह जवाब साडे प्रधान जी देंगे। मैनू इस गल का इलम है नहीं जिहड़ा तुसी सवाल किया मैं तुहानू बेनती की है पंकज जी ये सवाल जिहड़ा इट इज़ इन द डोमेन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द पंजाब प्रदेश कांग्रेस मेरे डोमेन दे विच जिहड़ा काम है मैनू उहदा सवाल करो। लैट अस कन्फाइन आर सैल्स टू दिस ये बड़े इंपोर्टेंट मुद्दे ने कल वाला जो कुछ होया आम आदमी पार्टी लगातार जिक्र कर रही है चाहे मीत हेयर एजुकेशन मिनिस्टर होन या उन्होंने MLA या स्पोक्स परसन की तजिंदर बग्गा पंजाब नू माहौल बिगाड़न की कोशिश कर रहा सी उनके बयान लगातार भड़काऊ सीगे और कांग्रेस क्यों बचाने च लगी BJP कांग्रेस ने बचाने की लोड़ नहीं असी तो यह गल कह रहे हैं कि पंजाब की तो यह काम गल सुनो मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल साहब कि केजरीवाल साहब बाहवा खड़िया करके कह दें कि मेरी सुनवाई है नहीं दिल्ली ये बग्गा जी नूं जे सांभणा ही सी या बग्गे नाल दो दो हाथ होना सी ते केजरीवाल साहब दी सरकार होए उत्थे जी ते या तुसी पूरी तैयारी जाओ अच्छा चलो बग्गे दी ते गल छड्ड लो सानू उहनूं बचाण दी की लोड़ है उहदी बचाण वास्ते उहदे हक आए ने असीं ते गल तुसी इहदी गल डॉक्टर विश्वास दी कर लो ते अलका लांबा दी कर लो मैनूं दसो पंजाब दे विच उहनां दा की रोल है जी तो ये तो असी जी पब्लिक डोमेन दे विच वीडियोज़ इनिया रोज़ चढ़दियां ने एक दूजे के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर तक चढ़दियां ने ये तुसी ये जिहड़ा एक सानू कॉन्स्टिट्यूशन ने जमहूरी हक दिता किसी के हक च या खिलाफ़ बोलन तो उन्होंने किस तरह आप ढक सकते भगवंत मान कह रहे थे बुलडोजर देखो अजे चलता कितने कितने बहुत सारे कागजात बहुत सारे लीडर असी तो बहुत मशहूर हाँ उन्होंने चलाओ सही असी तो कहने कि जो कुछ जे कोई नेक काम करना तो करो असी सपोर्ट करांगे पर बुलडोजर दे विच पहले तेल ते पवालो तेल तुहाडे बुलडोजर च मुक्या पता नहीं चलना किहड़े पासे नूं सानू तो यह होंदा कि गलती नाल कि अपने घर वाल ही ना चला कड्डे इन्हां दे भी कुछ नहीं पता जी। बाजवा साहब जी गजन माजरा ते CBI दी रेड कीती गई है एक कोई 40 करोड़ दा बैंक फ्रॉड उस दे घेरे दे विच लिआंदा गया आम आदमी पार्टी दे MLA आ PTI दे हवाले तो हुणे खबर आई है 40 करोड़ दे केस फर्जीवाड़े मैं तो उही गल भगवंत मान जी नूं कहिना बड़ा चंगा तुसीं सवाल अजे पहले कीता नाल ही ओ
उन्होंने एम एल ए तो रेड हो गया। पहले ये जरा बुलडोजर पहले उधर खड़ो कि हल्के देने अमरगढ़ के है ने जिला भी उन्होंने गुआढ़ी भी उन्होंने धूरी के नाल हल्के अमरगढ़ आ वेखिए पहले बुलडोजर में डीजल पाउन अज ही चला उधर अही सोचिए कि बड़ा कम नेक कर रहे आ कम तो शुरू कराओ तुम फिर उ सवाल करी जाते हो जे गिरफ्तारी हुई है तो मैं जवाब देवा जी वो की करता फिर सरसा सरसा जाने तो सरसे की पार्टी जाने सरसे दरिया तो अगले पास मैनू सवाल ना करो सरसे दरिया के पिछले बंदे मैनू सवाल करो केजरीवाल सौ परसेंट अजे तो शुक्र करो अजे शुक्र करो केजरीवाल साहब को सी बी आई तो ईडी है नहीं ये होंगी तो हूं तक सारे बाकी पार्टियां के एम एल ए हूं तक एक्स एम एल ए ने लम्बे पाए हुए चक्कर व्यू नहीं जी इन्हों तो साफ तौर नज़र आता इन्हों की इमेच्योरिटी इमेच्योरिटी एक चंगी भली फोर्स न एक लॉ अबाइडिंग फोर्स तुसी इस काम से कल के सारी फोर्स के मत्थे इनएफिशेंसी का दाग ला दिता मेरा ख्याल इट इज़ वेरी वेरी सैड कमेंट्री ऑन दिस मैं तो तुहानू अजे गल कही अजे दो चार महीने खलो जो इन्हों तो यह पता नहीं लगना बुलडोजर रही तोरीए कि बने बहुते तो जिते बुलडोजर तुरे है ही इन्हों बंदे निकले पुराने नवे बहुते नवे पुराने इन्हों के निकलते फिरते जिते बुलडोजर तोरी फिरते नहीं मैनू कोई जानकारी नहीं बाजवा साहब उन्होंने इन्हों लोगों की मैनू जानकारी कितों होनी इन्हों है दिया जो बदलाव लैके आना चाहते क्यों नाल का तो हल्का इन्हों का इन्हें जो टिकट दी है तुम मैनू इन्ना दसो इन्हों का नाल का हल्का हो पता ना हो गुआढ़ देवे साढ़े हो की रहा जी दैट ऑलसो शोज द एफिशंसी ऑफ अ पार्टी मैं वो समझ गया थोड़ी सारी गल करण जी मैं समझ गया कि मैं उही तो कह रहा अब बुलडोजर हो अमरगढ़ वाले पासे तोरो ना असं कह की रहे यही तो मैं कह रहा कि डीजल पाओ तो बुलडोजर तोरो उधर गुरु महाराज साहब मेहर करना जे तो दो तीन महीने खलोवो तुम वेखे कर दे की तुम मैं पहले दसिया दो तीन महीनों खलोयो तुम वेखे कर दे की ने नवे तो नवे रंग रोज विखाया करे विखाने शुरू करते इन्हों को पहले पुलिस है नहीं सी तो उन्ना चेर कहते रहे साडे नाल वेखो बहुत अत्याचार हो रहा है जे पुलिस दिल्ली पंजाब की अज काबू आई है तो राय पाते ना सारे बेसिकली सुखबीर जी तुहाडा नाम बड़ा सोहना है ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਲੇਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਗਰਡ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ आ जिहड़ा जनता बजट है जनता बजट निरा लोगों नूं दसण वास्ते ये बेसिकली की है इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया दे ते उन्हां नूं एड्स देण दा तुसीं समझ ही रहे हो क्योंकि तुहाडी बरादरी हुण मैं इस तों वध तुहानूं की समझावां तुसीं समझ ही रहे हो करन दी की कोशिश पंजाब दे खजाने चों पैसा तुहाडे जिहड़े वड्डे घर ने उन्हां नूं पहुंचाया जा रहा कि साडे हक च खबर लाओ ते विरोधियां दी खबर कंट्रोल करके रखो जिस तरह साडी आम तौर कंट्रोल करके रख दे पता नहीं हूँ किन्ने विखाणी हम वेखो कम इन्हों का वेखो
शुरू किया झोना अपने एरिए चो तो बंद कर रहे मेरे एरिए इस तो वड्डा वितकरा होर की हो सकता गुरदासपुर सारे नूं गेतला झोना लगता सी हमेशा अमृतसर ते गुरदासपुर मई दे महीने विच असीं उत्थे झोना शुरू कर देंदे सी जंडियाले वाली बैल्ट जिहड़ी साडे वाली बैल्ट इहनूं लै गए अखीर ते लै के क्योंकि उत्थे पेनीट्रेशन आप दी गुरदासपुर च नहीं हो सकी सानूं सजा देने की कोशिश कर दसो है कोई तरीका जी ये गल अहीं समझदे नहीं या साडे लोग नहीं समझणगे इस गल किसानां नूं जिहड़ा इन्हां ने कहा तुसीं जी डिवर्सीफिकेशन करो झोने ते कणक तों 800 करोड़ रुपया अजे तक साडे कमाद बीजन वाले जिहड़े किसान ने अजे तक उन्होंने हुशियारपुर ते गुरदासपुर ते अमृतसर बैल्ट के पैसे नहीं दे रहे 500 करोड़ सहकारी मिलों ये प्राइवेट मिलों का 300 करोड़ सहकारी मिलों के कोई जवाब तक नहीं दिता जी पॉलिसी यूक्रेन च बन रही है जी अज तक पहुंची नहीं इतने ये मैं दसो कितों बनवा के लैके आ रहे हैं 3 महीने टाइम लै लिया हूँ सोच कोई रही नहीं गल्लां बहुत वड्डियां कर बैठे ने यह कहिंदे सी असीं इहदे चों रेत चों 20,000 करोड़ रुपया कढ़ांगे मेरी ओपन चैलेंज है क्या दसो तो सही ना ही नहीं लैंदे हुण शराब 7,000 करोड़ की पिछले इस साल तक गवर्नमेंट ने बेची है जिहड़ियां कलैक्शन हुई लेट अस सी इन्हें 30,000 करोड़ किया मेरा ओपन चैलेंज है चलो ऐ करो तो आई मेरा चैलेंज मान लो इन्हों को 10,000 करोड़ तक ही लै मैं मान लूँगा बहुत वड्डी इन्हां दी फंक्शनिंग है बड़ी एफिशिएंट सरकार है 7 से 10,000 ही लै जाओ इन्हें 30,000 इन्हों का टीचा रेत जी कहिंदे 300 करोड़ कांग्रेस वेले कट्ठी आई 20,000 है मेरा ओपन चैलेंज केजरीवाल साहब नूं तुसीं 300 से 1,000 करोड़ तक ही पहुँचाओ रेत नूं आ लो मेरा मेरा चैलेंज कबूल करो लीडर ऑफ अपोजिशन आ काम करो